हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। सबसे पहले हम आपको बता दें, कल 19 तारीख था, 19 जून, और 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, हो चुका है नालंदा विश्वविद्यालय। अभी तक जो हम किताबों में पढ़ते आ रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो चुका था, बख्तियार खिलजी अपने प्रकोप से, अपने ज्वलनशीलता की भांति इसे एकदम पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार के मानो तो 2007 ईस्वी से इसका उत्थान की बात किया जा रहा था। फाइनली कल 19 जून 2024 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के माध्यम से इनका उद्घाटन कर दिया गया है। आज नालंदा विश्वविद्यालय एक उभरता हुआ चांद सितारों की भांति उभर रहा है। अब इसमें देखोगे तो धीरे धीरे पढ़ाई होगा, लेकिन आज हम खुलकर बात करने वाले हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी कैसी रही है, शुरू में कब से उत्थान हुआ, कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का, कितना विश्व के लोग कैसे पढ़ाई करते थे इसमें, और कि विद्यालय और महाविद्यालय में सबसे पहले अंतर ही हम बता देते हैं। दूसरा बात कि विश्व में सबसे पहले महाविद्यालय विश्वविद्यालय बनकर उभरा हुआ था ना, वो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था जो बिहार की धरती से बिलोंग करता था। सबसे पहले आपको हम बता दें कि विश्व में सबसे पहले विद्यालय हमारे भारत अखंड भारत में शुरू हुआ था, जिसका नाम था तक्षशिला विद्यालय। हालांकि नल्ला पाकिस्तान के एरिया में चला गया है। गंधार की राजधानी हुआ करता था तक्षशिला। उस 16 महाजन पदों में आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे तो बताया जाएगा। तो तक्षशिला हमारा एक ऐसा विद्यालय था जो विश्व के प्रथम विद्यालय था तक्षशिला, जहाँ चाणक्य वहाँ का मतलब इंचार्ज हुआ करते थे या फिर शिक्षक हुआ करते थे, सबसे प्रतापी शिक्षक चाणक्य बाबा, जिनके पुस्तक नाम है अर्थशास्त्र। उसी प्रकार एक और विश्वविद्यालय बनकर उभरता है कि विश्व के सबसे पहला विद्यालय हमारे भारत में तक्षशिला बना था। वहीं विश्व के सबसे पहला विद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों के दोनों भारत में ही बना था विश्व में। तो प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा, प्रथम विद्यालय तक्षशिला, वो हालांकि पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन ऐतिहासिक विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक मतलब बहुत पुरान जमाना से रहा है, और आज देखिएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय उभर रहा है, धीरे धीरे नया बन चुका है। पुरान का ये रहा, पुरान का आपकी आंखों के सामने है, और नाव का बनकर ये रेडी हो गया, उद्घाटन हो चुका है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आता होगा, एक क्वेश्चन कैसा है कि विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में क्या अंतर होता है। ठीक है साहब, देखिए पहले हम कन्फर्म कर देते हैं कि विद्यालय और महाविद्यालय, देखिए ध्यान से सुनिए और इसे आप सुनोगे तो एक मजा वाला बात आएगा। महाविद्यालय एक होता है विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में देखिए थोड़ा सा अंतर होता है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर तक पढ़ाई होती है, मतलब बीए, अब बीए के साथ साथ इंटर का भी पढ़ाई हो जाता है, महाविद्यालय में ये होता है। अब विश्वविद्यालय में क्या होता है, स्नातक होता है, स्नातक मतलब बीए, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए भी हो जाता है। साथ ही साथ इसमें शोध संस्थान का भी व्यवस्था किया जाता है। इसमें तीन गो आइटम याद रखोगे, बीए, एमए और शोध का भी काम इसमें जारी होता है। और महाविद्यालय में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब होता है, और उसके साथ साथ इंटर का भी पढ़ाई स्टार्ट रहता है। यही विद्यालय और महाविद्यालय में अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो इसका इतिहास कैसा रहा है। आपको पता है कि हम सभी को पता है कि वर्ष 2007 ईस्वी में क्या हुआ था, वर्ष 2007 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत में आए थे। मन में डाउट होगा कि क्या क्या पढ़ाइएगा सर, तो देखो बाबू सबके सब ना बताएंगे कि कैसा रहा नालंदा विश्वविद्यालय, कैसे ज्वलनशीलता रहा और कैसा खंडहर रहा, वो कौन है बख्तियार खिलजिया जो ससुर काट कर मतलब खत्म कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय आज के डेट में देखो तो ऐसा बन गया, देख रहे हो कितना खतरनाक, मन तो कर जाकर घूम ले एक बार, इतना मस्त नालंदा विश्वविद्यालय आज बनकर उभर रहा है। ऐसा है नालंदा विश्वविद्यालय कल के डेट में, ऐसा हो चुका, अब इसमें एडमिशन जारी हो गया है। विश्व के सभी देशों का अब इसमें लोग आकर एडमिशन करा रहे हैं, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है। यहाँ देखो शुरू में बता रहे हैं, 2007 की बात है, 2007 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिहार के दौरा पर आए थे। उस समय बिहार के विधानसभा में एक असेंबली में पास हो गया बिल कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्उद्धार कराया जाए। तो पुनर्उद्धार कराने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के किसने बात किया, तो बताओ कि एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय को उद्घाटन करने की बात, मतलब वो स्थापित करने की बात किए थे। 2014 ईस्वी में क्या हुआ था,
कि 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित इसे कर दिया गया, छोटा मोटा अस्थायी रूप से, एक होता अस्थायी एक होता अस्थायी, मतलब अस्थायी के रूप में 14 विद्यार्थी के साथ महा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के पढ़ाई लिखाई उसमें शुरू कर दिया गया अस्थायी तौर पर, जैसे कि इसका शुरू हो गया विश्वविद्यालय अस्थायी का मतलब कभी भी हट सकता है। 2014 से 2016 में क्या हुआ, राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी हुआ करते थे राजगीर के पखली विलेज में, नालंदा विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर के आधारशिला रख दिया और परिसर का निर्माण कार्य सिर्फ 2017 से प्रारंभ हो गया। 2017 से बनना शुरू हुआ और 2024 कल अर्थात 19 जून 2024 को बनकर रेडी हुआ, मतलब 2017 से बनना शुरू हुआ गया हो गया कौन, नालंदा विश्वविद्यालय। तो 17 दिन 20 अच्छा 7 साल लग गया, टोटल 7 साल में नालंदा विश्वविद्यालय बनकर रेडी हो गया। आगे देखो, आगे आप देख सकते हैं हमारे प्यारे मोदी, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, अब यहाँ इनका फोटो देख सकते हो, अरे आप देखोगे ना ये खंडहर है, यही नालंदा विश्वविद्यालय पुराना का नालंदा विश्वविद्यालय, इसी के बगल में ना नावका विश्वविद्यालय बनकर रेडी हुआ है। आगे देखो ये कितना जमीन में फैला हुआ है, तो आपको पता होनी चाहिए 455 एकड़ जमीन में फैला हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन गया, बहुत बड़ा, पुरानका से भी बहुत बड़ा है। 455 एकड़ का मतलब उसमें 1 एकड़ में 13 काठा, तो 455 में 13 से गुणा कर ले ना, बहुत बड़ा जमीन हो जाएगा। इसका खास बात क्या है, देखिए करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला हुआ यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस का मतलब होता है यहाँ पूरी तरह से ग्रीन, मतलब यहाँ कोई भी आपको तापमान का सामना नहीं करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के आपको हमेशा अनुकूल वातावरण मिलेगा। इसमें इस प्रकार की तकनीकी का व्यवस्था किया गया ना अंदरवा, मतलब मकनिया के विश्वविद्यालय के अंदरवा तकनीकी का व्यवस्था इतना जबरदस्त किया गया है ना कि गर्मी में ठंडा लगेगा, ठंडा में गर्मी लगेगा, वाह ऐसा ऐसा लड़का तो खुजबे करेगा। देखो लिखा है इसकी इमारतें कुछ इस तकनीकी से बनाई गई है कि गर्मी में ठंडी लगेगी और ठंडी में क्या होगा गर्म लगेगा। नए कैंपस में 1,750 करोड़ रुपया धनराशि से बनाया गया, इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में 1,750 करोड़ रुपया लगा है बनाने में। इसके बाद देखो नालंदा विश्वविद्यालय दो एकेडमिक बिल्डिंग्स है जिसमें 40 गो क्लासरूम है, 40 गो क्लासरूम है और 300 सीटें वाला एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसमें क्या होगा ना बैठक होगा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन करना है संगठन करना है उसमें किया जा सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी भी, बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी खुला गया है। इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं, मतलब इस समय देखोगे ना उद्घाटन तो हो चुका है, इसमें 26 गो देशों के मतलब विदेश के 26 गो देशों के विद्यार्थी आकर स्टडी भी कर रहे हैं, काम जारी हो चुका है। पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट रिसर्च कोर्स और शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 137 और स्कॉलरशिप खास विशेषता है, यहाँ के इतना डिग्रियां इसमें से प्राप्त किया जाएगा। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं मोदी जी को, यहाँ देखो किसने तोड़ा था, अब इसका ये वो कहानी इतिहास में आपको दर्ज किया जाएगा कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो बनावट है ना, कौन बनाया नालंदा विश्वविद्यालय, तो आपको पता होनी चाहिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है बनाने वाला जो था 415 से लेकर 470, हालांकि देखोगे 415 वहीं पर 425 भी लिखता है, याद रखना ये फिक्स आंकड़ा नहीं होता, इतना समझो कि 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। तो कहीं कहीं किताब में 425 से 470 लिखता है, वहीं पर 415 से 470-75 लिखता है, मतलब इसी के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय बनकर रेडी हुआ। मन में आता हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कौन, तो हमारे मगध साम्राज्य के प्रतापी वंशों में से गुप्त वंश हुआ करता था जिनका नाम हुआ करता था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश का स्थापना किया गया था और श्रीगुप्त के खानदान का ही एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के द्वारा 425 से लेकर 470 के बीच में, मतलब इसे कहोगे ना 5वीं शताब्दी, तो कोई पूछे तो कह देना 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। लेकिन उनके मरने के बाद हर्षवर्धन आते हैं तो उसे लगभग 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक उसे संरक्षण करते हैं। धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय एकदम लोहा मनवा दिया, क्योंकि विश्व में देखो तो सबसे पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय बना था और यहाँ स्टडी करने के लिए लगभग 23 गो देशों से भी ऊपर विद्यार्थी आकर पढ़ाई इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में करते थे।
इसमें हम आपको बता दें कि 10,000 से ऊपर विद्यार्थी पढ़ा करते थे और इसमें 2,000 प्लस शिक्षक हुआ करते थे, बहुत ज्यादा शिक्षक हुआ करते, 2,000 ज्यादा ना हो गया, और 10,000 से ऊपर विद्यार्थी हुआ करता था। इसमें देखो तो ह्वेनसांग और फाहयान जैसे बहुत बड़े बड़े जो ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहासकार माने जाते हैं, वो सभी यही स्टडी कर किया है और यही स्टडी कर यही टीचर भी बन गया है, और अपने पुस्तक में लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का उत्थान कैसे हुआ है, मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, वो अपने पुस्तक में लिखा करते हैं। आगे चलकर क्या होगा, समय के साथ आगे बढ़ा 1191 ईस्वी और 1191 ईस्वी में युद्ध होता है जिसे बोलते हैं तराइन का युद्ध। 1191 में 1193 में तराइन के दो युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इन दोनों में युद्ध होता है। तो प्रथम तराइन के युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन 1193 में जो होता है ना तराइन के द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान धोखे से हार जाते हैं, हालांकि उनको हराया जाता है। आगे चलकर जब मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने गजनी वंश लेकर चला जाता है, वही गजनी है, गजनी गजनवी है जो गजनी वंश का स्थापना किया था, तो भारत को 17 बार लुटाई किया था, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बाबू। आगे देखो तो मोहम्मद गजनी के साम्राज्य में मोहम्मद गौरी हुआ करता था, मोहम्मद गौरी के एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के जब बिहारों पर आक्रमण हुआ ना, तो बिहार के जितने भी धरोहर थे, जो दर्शनीय योग्य थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण थे, उन सब पर उनके द्वारा आक्रमण किया गया था। उसे रिस्पेक्ट न दो, वो कथा गाली देने का मत कर रहा है, लेकिन फिर भी बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति, और ये बिहार के जितने भी, बिहार की बातें छोड़ो, पूरा भारत के अधिकांश धरोहर पर उसके द्वारा आक्रमण करके उसे नष्ट किया गया। उसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया। एक कहा जाता है कि इसमें 3 लाख से ऊपर पुस्तकें थी, 3 लाख से ऊपर पुस्तकें थी, और ये पुस्तकों में जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया, जलाया गया, तो कहा जाता है, कहीं कहीं किताब में लिखा है कि 3 महीने तक धुधुक धुधुक कर जलता रहा। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय आपकी आंखों के सामने है, कैसे जल रहा है। आगे देखिए, वही नालंदा विश्वविद्यालय देखिए यहीं ससुरा है, देखिए यहीं है, बहुत खतरनाक था, और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। आगे हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस कैसा है, ये देखिए बहुत जबरदस्त है कि नया कैंपस कैसा दिख रहा है। देखिए आप, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है 19 जून 2024 ईस्वी को, यानी कल, राजगीर में पड़ता। देखो नालंदा विश्वविद्यालय न राजगीर में है, मतलब राजगीर एक बहुत बड़ा शहर है, और नालंदा क्या है, एक वो जिला है, और उसी जिला में राजगीर है, और उसी के अंडर में आता है, ठीक है। तो नालंदा क्या है, एक जिला है, उसका राजधानी है बिहार शरीफ, मतलब तो उसका जैसे मुख्यालय, जैसे हम लोग पश्चिम चंपारण में आते हैं, पश्चिम चंपारण का मुख्यालय बेतिया है, उसी प्रकार नालंदा एक जिला है, उसका मुख्यालय बिहार शरीफ है, और नालंदा जिला के अंदर एक शहर है राजगीर, और उसी के अंदर वही है, उसी के अंडर में आता है। तो ये उद्घाटन हो गया, और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर घुसने का जो प्रवेश द्वार जो होता है ना, इस प्रकार दिखता है, नाव का, ठीक है, पुरनका के बगल में नाव का खुला गया। आप देख सकते हैं खंडहर से विश्व स्तरीय न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे बना है। देखिए ये आपका विद्यालय है, और देखिए कितना बढ़िया बढ़िया इमारत है, प्रवेश द्वार है, और यहाँ देखिए बहुत बड़ा बड़ा कैंपस खुला गया, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए और खेलकूद करने के लिए बहुत बड़ा। यहाँ देखो किनारे किनारे इतना पानी रखा गया है ना, तो माना जाता है कि अगले 50 साल 60 साल यदि पानी आसपास नहीं भी रहेगा ना, तो ये अपना मैनेजमेंट कर सकता है, इतना ज़्यादा पानी की व्यवस्था किया गया है। आगे देखोगे तो आप देख सकते हो, यहाँ मान लो कि यहाँ कोई भाषण हो रहा है या फिर कोई मीटिंग हो रहा है, यहाँ आसपास पूरे विद्यार्थी बैठ जाएंगे और यहाँ से मीटिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए सब ऐसा ही बैठा है, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए, बच्चों नहीं बहुत बड़ा विद्यार्थी होता है वो सब। और ठीक उसी प्रकार देखो ना, नालंदा विश्वविद्यालय का जैसा डिजाइन था वैसा ही डिजाइन ही बनाया गया, लेकिन थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी लगाकर बनाया गया, बस ऐसा ही अंतर है, वो ऐसा ही ईंटा भी लगाया गया। यहाँ देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कुछ इस प्रकार दिखता है,
एक और बात देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर घुसोगे ना आप तो उसमें पता चलेगा कि जैसे फाइव स्टार होटल होटल होता है ना उसी प्रकार इसके अंदर कैंटीन है। उस कैंटीन में एसी वाला टेक्नोलॉजी लगाया गया है जो यदि आप गर्मी में जा रहे हैं तो आपको ठंडक महसूस होगा और यदि कड़कती ठंडक में जा रहे हैं तो आपको गर्म महसूस होगा। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय हमारा एक प्रकार के दौड़ रहा नालंदा विश्वविद्यालय के आज के समय में कितना नालंदा विश्वविद्यालय चरम छूने जा रहा है। क्योंकि आज देखोगे तो एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के लोग आकर बिहार में पढ़ा करते थे, लेकिन आज ना बिहार में कोई नहीं पढ़ रहा है लेकिन अब पढ़ेगा, पढ़ना शुरू भी कर दिया है नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये आपका दौड़ रहा है। कैसा लगा वीडियो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए और अपने मतलब अपने दोस्तों में जो भी आपके आस पास जो पड़ोसी हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, ताकि पता चल सके कि नालंदा विश्वविद्यालय का उत्थान कैसा है। ओके, थैंक यू।